अलीगढ़ से हम देश की बदनसीबी कहेंगे या फिर यह स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। एक साक्षात प्रमाण जो महानगर अलीगढ़ के मसूदाबाद चौराहे के निकट गांधी प्रतिमा की जयंती पर भी किसी ने सूद नहीं ली। इतना ही नहीं, उपरोक्त गांधी प्रतिमा के आस पास कूड़े का साम्राज्य फैला हुआ मिला, जबकि यहाँ गांधी प्रतिमा के मूर्ति यहाँ के बस स्टैंड पर है, जो कि नया था, इस वक्त टूटा हुआ है, तो नया प्रकरण से बनाया जा रहा है। अच्छा, अभी क्या हाल है और कौन यहाँ? हाल ये है, यहाँ पर कोई कपड़ा लगाने वाला भी नहीं है इस मूर्ति पर। यहाँ पर आज के दिन आपको जानते हो आप, 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है कम से कम, इसमें कम से पहले जो है इस पर साफ सफाई होती थी इसकी और मिठाई भी बढ़ती थी, लेकिन आज प्रशासन काम तो कर रहा है लेकिन कम से कम इसकी अनदेखी क्यों कर रहा है, तो इसे भी तो देखना चाहिए इस मूर्ति को। क्या कैसा हाल पड़ा है यहाँ पर? अभी क्या हाल पड़वा हम यहाँ का? माला लेने आया कोई भी? जहाँ देश भर में आज गांधी जयंती की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, वहीं अलीगढ़ के मसूदाबाद चौराहे पर लगी यह गांधी जी की मूर्ति धूल फाँक रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से नगर निगम की लापरवाही के कारण यह धूल फाँक रही है, लेकिन इस तरफ किसी भी अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी और निगम नगर निगम के कर्मचारियों का इस गांधी की मूर्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जबकि देश के अंदर आज भारी नेता भी मंचों पर पहुंचकर गांधी जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी वर्षों पुरानी है लगी गांधी जी की मूर्ति की तरफ अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो इसकी जो गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, इसको स्टैचू जो के नीचे जो इसको जो है ये विज्ञापनों से थोप दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी के कारण ये मूर्ति लगातार कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है और प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। ये देख सकते हैं आपकी ये गांधी जी की मूर्ति पर, तो क्या गांधी जी की यह मूर्ति नगर निगम के द्वारा लगाई गई यहाँ पे नाले के ऊपर, तो आज के दिन इस पर आखिरी माल्यार्पण किसी भी नेता या अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं किया गया? अजय कुमार, अलीगढ़।